नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है राउंड वर्ल्ड में। और राउंड वर्ल्ड की आज की इस वीडियो में हम लोग जाने वाला है बक्सर, जो कि पहली बार हम लोग एक टूर का व्लॉग कर रहे हैं। टूर भी नहीं है, एक छोटा सा सफर है और वहीं भी जाने, और बस भी आ चुकी है तो बस में हम लोग पहले बैठते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। और ये देखिए बस आ चुकी है और बस में हम लोग इंटर करने वाले हैं। तो पहले सूरज जी, उसके बाद अंकित भैया, उसके बाद मैं। अभी गिरने वाले थे लेकिन बच गए। और देखिए अब बस का नजारा एक बार, सभी लोग बैठे हुए हैं और चौंगाई से हम लोग निकल चुके हैं। ये है चौंगाई की रोड और ये हॉस्पिटल बन रहा है और यहाँ पर तीनों लोग बैठे हुए हैं, पीछे दो लोग अंकित भैया और सूरज भैया। सूरज भैया हमारे दूसरे चैनल के एक बहुत ही मेन सदस्य हैं, स्पोर्ट्स एक्सपोज के, जो आजकल हम चला नहीं रहे क्योंकि उस पर ज्यादा रिटेंशन नहीं मिल रही है। और ये चौंगाई का पहला मोड़ है, खिड़की नहीं खोल सकता क्योंकि बहुत ही ठंड है। तो अभी तक आपको थोड़ी वॉइस की समस्या आ रही होगी, लेकिन अब नहीं आई क्योंकि मैंने ये माइक जो है वो अंदर पहना था और अब वो समस्या दूर हो चुकी है। और मैं आपको बताता हूँ कि हम लोग बक्सर जब पहुंचेंगे उसके बाद बक्सर के विजिटर्स मिलेंगे वहाँ पे, जो भी चीजें होंगी, क्योंकि अगर सीधे सिंपल टूर व्लॉग करेंगे यहाँ से बक्सर तक का तो मजा नहीं आएगा, जिससे हम लोग वहाँ पे पहले पहुंचेंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार से सिटी है वो। सुबह सुबह एकदम कोहरा ही कोहरा है पूरे खेतों में, खेतों का नजारा अलग ही होता है गांव का। और यहाँ पे आप देख सकते हैं युवकों का हाल, सुबह सुबह फ्री फायर खेल रहे हैं बस में भी। और अभी हम लोग कुछ देर में सरैया पहुंचने वाले हैं, जो कि काफी अच्छा मार्केट है। अभी बस के हॉर्न बजाते इसलिए मैंने नहीं बोला, एक अच्छा मार्केट है लोकेलिटी में हमारे, और वहाँ पे काफी सारी चीजें मिलती है, इसलिए आस पास के गाँव के लोग आते रहते हैं। 10 मिनट बस का स्टॉपेज है और 10 मिनट का स्टॉपेज भी है बस का, तो आपको दिखा देंगे। और अब यहाँ पे बस 10 मिनट रुकेगी, तब तक हम लोग अब आराम करेंगे। बस में तो आराम ही कर रहे हैं वैसे भी, लेकिन अब थोड़ा एक बस हिलती है तो माइक की क्वालिटी भी थोड़ी खराब होती होगी आपके हिसाब से और थोड़ी आवाज़ फंस के आती होगी, लेकिन अभी रुके हुए हैं तो अभी साफ साफ आवाज़ आ रही होगी। और ये है सरैया मार्केट और बस रुकी हुई है यहीं पर जिसमें हम लोग बैठे हुए हैं, आरती बस इसका नाम है। और देख सकते हैं काफ़ी कुहासा है क्योंकि अभी सुबह के बाद 7 बज रहे हैं, 7:30, और मौसम काफ़ी ख़राब है और मार्केट में भीड़ लग चुकी है और सब्जियां बिक रही है यहाँ पे, जिसको लेना है ले सकता है यहाँ पे आके। तो बक्सर जाने का जो मेन मोटिव यही है कि हमें अभी 3 वीडियो बनानी है और जो 3 जगह है, लेकिन वो बताएंगे नहीं कि कौन कौन सी जगह है, क्योंकि अगर आप बता देंगे तो फिर आपको मज़ा नहीं आएगा, ये एक सरप्राइज रखते हैं। उसके बाद बक्सर की जो 3 वीडियोज आएंगी उसमें आप देख लीजिएगा। चलिए वापस बस में जाते हैं। और यही है वो लड़कियां जिन्होंने मेरी सीट पे कब्जा किया है, बहुत ही बुरा हुआ मेरे साथ। इस मोबाइल से हम लोग अब सब्सक्राइब करने वाले हैं, सूरज का फोन है तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब ये सूरज जी का फोन है जो कि अपना बड़ा वाला फोन गुम कर चुके हैं और उसके बाद घर से मिला हुआ है, बहुत ही इनके साथ बुरा हुआ। और सरैया से हम लोग निकल चुके हैं, यही सरैया तक का सफर था हमारा और अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और हमारी जगह पे यहाँ पे कब्जा हो गया है और बहुत ज़्यादा भीड़ लग गई है और काफ़ी हम लोग अब बहुत ही कम स्पेस में बैठे हैं। और यहाँ पे मेरी जगह एक आंटी ने ले ली है और इतनी ज़्यादा भीड़ की वजह से अब हम लोग विजुअल्स भी नहीं ले पाएंगे, काफ़ी दुखद समाचार ही है। लेकिन डुमरा पहुँचने से पहले मैं कोशिश करूँगा कि खिड़की तक पहुँचे ताकि आपको दिखा सकें डुमरा शहर कैसा है, वहाँ पर भी ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं हुई आज तक। और यहाँ पे अंकित भाई खड़े हो चुके हैं, दयालु बनने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तरीके से, और यहाँ पे एक आंटी को उन्होंने सीट दी है, काफी अच्छी बात है। मैं तो तेरे को हराम ही समझता था, तू तो राम निकला रे, देव मानुष निकला। हे हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या। और यहाँ डुमराव का मार्केट
काफी अच्छा मार्केट है, एरिया में काफी फेमस है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं शॉपिंग करने के लिए। तो उतर चुके हैं हम लोग डुमराव स्टेशन पे, और डुमराव स्टेशन अब कुछ ही देर में हम लोग पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर काफी नजदीक में ही है और दिखा लेंगे आपको। ये रहा डुमराव का स्टेशन, उसके बाहर का एरिया पार्किंग एरिया है ये, और काफी सारी गाड़ियां लगी हुई है, और जो भी ऑटो रिक्शा वाले हैं, और यहाँ पे फरागस एक्सप्रेस जो है ट्रेन वो निकल रही है यहाँ से, और उसको निकल ही जाने दीजिए क्योंकि हम लोग तो पैसेंजर से जाने वाले हैं, और काफी भीड़ है यहाँ पे स्टेशन के बाहर। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए उस कुछ दिख ही नहीं रहा सामने, और यहाँ से भी दिखा देता हूँ मैं, देख सकते हैं आप कुछ नहीं दिख रहा है, और स्टेशन मौजूद है यहीं पे, और यहाँ से मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, देखिए आप। और हम लोग स्टेशन पे चलते हैं और अपने ट्रेन का वेट करते हैं, उसके बाद हम लोग बैठेंगे और सीधे जाएंगे कहाँ, बक्सर। और यहाँ पे हमारे दोस्तों ट्रेन आ गई है, देख सकते हैं पैसेंजर ट्रेन, बिहार की काफी फेमस, और इसमें हम लोग आज आपको सफर दिखाएंगे, और काफी भीड़ है यहाँ पे स्टेशन पे, इस पे सफर करने के लिए बहुत मतलब मजा आता है इसमें, क्योंकि और आ गई ट्रेन, और काफी हम लोग शुरू में ही है। चलिए ट्रेन के अंदर चलते हैं, लोगों को पहले उतरने देते हैं, अभी हम लोग भी अंदर जाएंगे, और आ गए हैं अंदर ट्रेन के। अंधेरा हो गया, अरे बहुत अंधेरा है। हाँ अंधेरा नहीं है, कैमरा थोड़ा हो गया, सिग्नल हो गया और एकदम हम लोग जो मेन वो होता है इंजन होता है उसके बगल में ही है, और सबसे सामने वाले बोगी में है, तो एकदम सामने उतरेंगे और काफी आगे उतरेंगे हम लोग, उसके बाद हमें पैदल भी चलना होगा, और काफी भीड़ है इस बोगी में, और पूरे ट्रेन में भी बहुत ही भीड़ होगी, हम लोग खड़े। और ट्रेन निकल चुकी है हमारी यहाँ डुमराव स्टेशन से, और अभी दो तीन और हॉल्ट आएंगे, उसके बाद हम लोग बक्सर पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे आगे हम लोग बैठे हुए हैं, मतलब खड़े ही हैं, बैठे नहीं, आप तो देख ही रहे होंगे। और यहाँ पे बरुणा आ गया है, एक बहुत ही छोटा सा हॉल्ट है, और काफी इसको अच्छे से बनाया भी गया है, क्योंकि छोटे हॉल्ट पे ज्यादा सुविधाएं नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे काफी अच्छी एक बोल सकते हैं कि लगा के रखा है यहाँ पे। और उधर से भी एक पैसेंजर ट्रेन जा रही है, और यह है वरुणा स्टेशन, इधर का भी सीन दिखा देते हैं आप। इसमें एक मिनट का हॉल्ट है, एक मिनट का हॉल्ट है यहाँ पे, इधर का भी पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है, सिर्फ पैसेंजर ट्रेन होती है, क्योंकि हॉल्ट पे तो पैसेंजर ट्रेन ही रुकती है। So guys, हम लोग पहुंच चुके हैं बक्सर स्टेशन पे, जिसके हम लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे, और आपको वीडियो में दिखाने भी वाले थे कि हम लोग बक्सर पहुंचेंगे, और हम बक्सर पहुंचे हैं, तो यहाँ के बहुत सारी जगह भी दिखाएंगे आपको, और जो आने वाले वीडियोस में भी है, तो देख सकते हैं आप बक्सर स्टेशन काफी अच्छा स्टेशन है, और इस जिले का सबसे बड़ा स्टेशन बक्सर ही है, और काफी सारी बड़ी बड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेन यहाँ पर रुकती हैं, तो अगर आपको ट्रेन पकड़नी हो तो आप यहीं पे आते हैं, और काफी अच्छा स्टेशन है, हम आपको उतर के बताएंगे, तब तक आप देखिए इस वीडियो। तो अभी आ गए हैं हम लोग बक्सर स्टेशन पे, और अब हम लोग उस पार जाएंगे, इस मतलब पैदल चल गए, उसके बाद आपको दिखाएंगे बक्सर स्टेशन के बाहर का व्यू। इनको कोई इम्पोर्टेंट कार्य है, इनको अपने कॉलेज में जाना है, और उनका इम्पोर्टेंट काम है, तो वहीं पर जाएंगे, और काफी हम लोग आगे हमारी जो बोगी थी वो बोगी थी साथ रहेगी, और काफी हम लोग हमारी जो बोगी थी बहुत आगे थी, सबसे आगे थी, जिसकी वजह से हम लोग बहुत आगे आए हैं, तो हमें काफी पीछे तक चलना पड़ेगा, उसके बाद हम लोग बाहर जाएंगे स्टेशन के, और फिर आपको दिखाएंगे। देखिए ये बक्सर स्टेशन का साइड का एरिया है, ये मेन स्टेशन का जो एरिया वो नहीं है, तो आप ये मत समझिए कि काफी खराब स्टेशन है इधर, क्योंकि बहुत अच्छा स्टेशन है, आपको बाहर से दिखाएंगे तो आप समझ देख ही लेंगे। और यहाँ पे लोग अब अपने घर, जो भी घर या फिर जो भी काम है, उसके लिए रवाना हो रहे हैं, ये बहुत ही गंदी आदत है, लोग कहीं पे शुरू हो जाते हैं।
और वहाँ पे देख सकते हैं और दो लोग हैं शर्मसार कर रहे हैं यहाँ पे लोगों को, भारत के बुद्धिजीवी लोग। यहाँ पे एक भैया बोल रहे हैं काफी अच्छा स्टेशन है, जैसा कि मैंने बोला था उधर का एरिया थोड़ा सा खराब है, और ये सीढ़िया स्टेशन की जो हम लोग चढ़ रहे हैं उसके बाद हम लोग इस स्टेशन के बाहर पहुंचेंगे। देख सकते हैं स्टेशन को, यहाँ पे मात्र अभी एक ही ट्रेन लगी हुई है, लोग सारे अपने अपने कामों या फिर अपने घरों पे के लिए रवाना हो रहे हैं। तो उस सीढ़ी का व्यू तो हमने दिखा दिया आपको, अब सामने वाली सीढ़ी एक और है वो उससे भी बेहतरीन है, तो उसको दिखाते हैं अब, और मैं आपको दिखाता हूँ पहले सामने से कि कैसा लगता है वो, उसके बाद। तो ये दूसरी सीढ़ी है और ये काफी अच्छी सीढ़ी देख सकते हैं आप, इसको कितने अच्छे तरीके से बनाया गया है और ऊपर से ढका गया है कितने अच्छे तरीके से, देखिए कितनी अच्छी पेंटिंग भी की गई पेड़ों की, तो काफी अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव बनाता है इस सीढ़ियों को, और काफी अच्छी लग रही है सीढ़ियाँ। और हम लोग दूसरी सीढ़ी पाएंगे, ये काफी बड़ा है ये देख सकते हैं आप, और इधर मैं आपको दिखाता हूँ देखिए कितना बड़ा ये जो सीढ़ियाँ है इतनी बड़ी, काफी अच्छे तरीके से इसको बनाया गया, काफी ब्रॉड भी मौजूद है जिन लोगों को थोड़ी समस्या होती है चलने में, और एलिवेटर भी है, तो सारी यहाँ पे सुविधाएं हैं लोगों के लिए, लेकिन हम लोग तो सीढ़ियों का ही इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हम लोग अभी युवा हैं तो हमारे पैरों में भी कोई समस्या नहीं है। ये है बक्सर का ऑटो स्टैंड जहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे, उसके बाद ऑटो पकड़ेंगे और उसके बाद जाएंगे बक्सर शहर में, और बक्सर शहर की हिस्ट्री भी बताएंगे आपको। ये बक्सर शहर जो काफ़ी पुराना है और काफ़ी इसकी हिस्ट्री आपको जाननी चाहिए जो हम बताएंगे। आ गए हैं बाहर और सारे ऑटो वाले पूछ रहे हैं कहाँ जाएंगे भैया कहाँ जाएंगे भैया, लेकिन जब ज़रूरत हुई तब तो नहीं पूछते हैं, जैसे कि सुबह सुबह हमारी हमें ज़रूरत थी बस से आना पड़ा हमें, लेकिन उस टाइम तो कोई नहीं था। सूरज भैया जो हमारे साथ हैं वो इसी बस को पकड़ के जाएंगे अपने कॉलेज के लिए, तो उनको भी यहीं पर हम लोग टाटा बाय बाय बोलते हैं। चलिए सूरज जी बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक आने के लिए और कुछ बातें बता रहे हैं। चलिए ठीक है, सूरज जी को अलविदा कहने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं आप काफ़ी पुराने जमाने की गाड़ियाँ, एम्बेसडर कार जो पहले के मूवीज में चलती थी, और ठाकुर जी तो जो रहते थे मूवी में ठाकुर जी, और ये है बक्सर स्टेशन का बाहर का व्यू आप देख सकते हैं, और काफ़ी अच्छा स्टेशन है, आप अगर यहाँ पे आते हैं तो आपको सारी ट्रेन मिलेंगी, और काफ़ी भीड़ है, तो अभी मैं हम लोग चलते हैं पहले, और हम लोग भी अपनी गाड़ी पकड़ते हैं, उसके बाद हम लोग जहाँ पे जाना होगा वहाँ पे जाएंगे। तो ये वीडियो अब काफ़ी लंबी हो गई है, और हम आपको आने वाले जो पार्ट्स है बक्सर के उसमें आपको पूरे बक्सर शहर की हिस्ट्री बताएंगे और आपको दिखाएंगे भी अलग अलग पार्ट्स। तो अभी तो हम लोग यहाँ पे आपको अलविदा कहना चाहेंगे और चाहेंगे कि अगले वीडियो में और चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको इस जर्नी में बहुत मज़ा आया होगा मुझे पता है क्योंकि हमने इस जर्नी को काफ़ी अच्छे से कवर किया है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक हमारे चैनल पहुँचे और इस चैनल की ग्रोथ हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो को देखने के लिए।